alaikum dear students. Hopefully all of you will be safe and sound with the grace of Allah. Welcome to the English class. Dear students, today we are going to learn about perfect tenses. So let's start our lesson. Perfect tenses. Perfect tenses show actions already completed or completely done in the past. Perfect tenses as actions ko show karte hai, jo ke पहले ही मुकम्मल हो चुके हों या फिर गुजरे हुए ज़माने यानी पास्ट में मुकम्मल हुए हों दीज टेंसेज आर ईजी टू आइडेंटिफाई एज द वर्ब फ्रेज कंस ऑफ और हैड एज हेल्पिंग वर्ब्स विद द वर्ब इन द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इन टेंसेज को पहचानना बहुत आसान होता है क्योंकि वर्ब फ्रेज के लिए में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं वो हैं हैज़ हैव और हैड और वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिंपल परफेक्ट टेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट लेट्स लर्न अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वॉज कम्प्लीटली एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं किसी ऐसे काम को जाहिर करने के लिए जो कि गुजरे हुए ज़माने में किसी गैर मुक्र वक्त पर मुकम्मल हुआ हो द रूल ऑफ़ इट्स मेकिंग इज़ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आई हैव टेकन द ब्रेकफास्ट मैं नाश्ता कर चुका हूँ शी हैज़ ऑफर्ड द प्रेयर्स वो नमाज़ अदा कर चुकी है दे हैव कंप्लीटिड देयर टास्क वो अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं डेयर स्टूडेंट्स वी यूज़ द हेल्पिंग वर्ब हैज़ विद ही शी इट और एनी सिंगुलर नाउन एंड वी यूज़ द हेल्पिंग वर्ब हैव विद आई वी यू दे एंड एनी प्लूरल नाउन लेट्स लर्न अबाउट पास परफेक्ट टेंस वी यूज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट बिफोर एन अदर पास्ट एक्शन हम पास्ट परफेक्ट टेंस तब यूज़ करते हैं जब हम किसी ऐसे काम को ज़ाहिर करना चाहें जो कि गुजरे हुए ज़माने में हुआ हो किसी पास्ट एक्शन से पहले द रूल ऑफ़ इट्स मेकिंग इज़ सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स ही हैड रिपेयर हिज बाईसकल बिफोर वी अराइव्ड वो अपनी साइकिल को रिपेयर कर चुका था हमारे पहुंचने से पहले दे हैड फॉरगॉटन देयर देअर प्रॉमिस वो अपना वादा भूल चुके थे शी हैड गॉन फॉर शॉपिंग वो शॉपिंग के लिए जा चुकी थी लेट्स लर्न अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस वी यूज़ द पर फ्यूचर परफेक्टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल अगर इन द फ्यूचर बिफोर अन अधर एक्शन इन द फ्यूचर हम फ्यूचर परफेक्टेंस कब यूज़ करते हैं जब हम किसी ऐसे काम को ज़ाहिर करना चाहें जो कि मुस्तबिल में हुआ किसी ऐसे काम से पहले जो कि फ्यूचर में किसी होने वाले काम से पहले मुकमल हुआ हो हु। द रूल ऑफ़ इट्स मेकिंग सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लेट सी सम एग्जाम्पल्स ही विल हैव ऑफर्ड द प्रेयर वो नमाज अदा कर चुका होगा दिल हैव विजिटेड द म्यूज़ियम वो म्यूज़ियम की सैर कर चुके होंगे शी विल हैव रिटर्न द स्टोरी वो स्टोरी लिख चुकी होगी डियर स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट टेंसेस थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़